दुनिया भर में कोरोना वायरस का तांडव लगातार जारी है। चीन से आए इस वायरस ने बाकी खेलों की तरह क्रिकेट को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। शुक्रवार 7 अगस्त का दिन क्रिकेट के लिए काफी अहम था। शुक्रवार को हुए आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में टी20 विश्व कप के आयोजन को लेकर बड़े फैसले लिए गए। आईसीसी ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्थगित किए गए टी20 विश्व कप 2020 को अब साल 2021 में भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईसीसी ने कहा कि साल 2022 में होने वाला टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए क्या क्या और कैसे कैसे बदलाव किए गए हैं, हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा शुक्रवार को ही आईसीसी ने न्यूजीलैंड के अगले साल होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप 2021 को भी स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही महिला विश्व कप 2021 को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा, जबकि साल 2022 में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। बताते चलें कि इससे पहले के तय कार्यक्रम के अनुसार एक टी20 वर्ल्ड कप इसी साल यानी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, जिसे कोरोना वायरस के चलते एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद साल 2021 में भी एक टी20 वर्ल्ड कप होना था, जिसकी मेजबानी भारत को मिली थी। अब इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया था, तो इसके मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल यानी 2021 में इसकी मेजबानी करने की इच्छा जताई थी, जबकि 2021 में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप पहले से ही भारत में होना तय है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए आईसीसी ने एक अहम फैसला लिया। आईसीसी ने सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप 2020 के आयोजन में ही बदलाव किया है, जबकि साल 2021 में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में ही खेला जाएगा। इस साल अक्टूबर में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को अब साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। इन दोनों टी20 वर्ल्ड कप के बाद साल 2023 में होने वाला वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला जाएगा। उधर दूसरी ओर न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2021 को भी कोरोना वायरस महामारी के चलते फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के स्वास्थ्य, क्रिकेट और वाणिज्यिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक आकस्मिक नियोजन अभ्यास के बाद आईसीसी वाणिज्यिक सहायक यानी आईबीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आईसीसी के कार्यकारी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने कहा कि बोर्ड ने आज जो फैसला लिया है वो खेल हमारे भागीदारों और महत्वपूर्ण रूप से हमारे प्रशंसकों के हित में है। मैं बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपने सहयोगियों को आईसीसी टूर्नामेंटों में सुरक्षित वापसी के लिए उनके निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताते चलें कि इस साल अक्टूबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप स्थगित होने के बाद ही आईपीएल के 13वें सीजन का रास्ता साफ हो गया था। अगर आईसीसी इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित नहीं करती तो इस साल आईपीएल का आयोजन कराना लगभग नामुमकिन होता। इस साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को होगा। भारत में कोरोना वायरस की तेज रफ्तार की वजह से आईपीएल का 13वां सीजन यहां आयोजित नहीं किया जा रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि वो आईपीएल का आयोजन भारत में ही कराना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह असंभव था। भारत में अब रोजाना कोरोना वायरस के करीब 60,000 नए मामले आ रहे हैं। यही वजह है कि आईपीएल 13 का आयोजन इस साल यूएई में किया जा रहा है।